हेलो दोस्तों, तो आज का जो टॉपिक है वो है अबाउट सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी एंड चाइना यूएस चिप वॉर के ऊपर। सो बेसिकली सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो वो कहीं ना कहीं GS3 के आपके इंफ्रास्ट्रक्चर वाले पोर्शन से आप जोड़ सकते हो, और जो चाइना और यूएस के बीच का जो चिप वॉर है वो आपका GS2 का इंटरनेशनल रिलेशनशिप का जियोपॉलिटिक्स के में भी आ सकता है, ठीक है। तो लेकिन इस पर्टिकुलर वीडियो में हम मान रहे हैं कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा ज़्यादा डिस्कस है, इसलिए बोल रहे हैं GS3 मेंस का टॉपिक है, ठीक है। सो इसको अभी देखते हैं हम लोग। सो जो न्यूज़ न्यूज़ आर्टिकल आया था वो आया था जुलाई 1 को, ठीक है, और जियोपॉलिटिक्स इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर भी है अगर हम यूएस चाइना चिप वॉर की बात करें। लेकिन ये GS3 में भी आ सकता है अगर हम सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी और उसके ऊपर जितने भी गवर्नमेंट के पॉलिसीज वगैरह हैं वो कहीं ना कहीं सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के ऊपर है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर के टॉपिक में भी आ जाता है GS3 के। तो जिस प्रकार का सवाल आएगा उस प्रकार से इसको यूज करना है हमें, ठीक है। तो देखते हैं। तो अभी एक जमाने में ऐसा हुआ था कि ऑयल वॉज वेरी वैल्यूबल, तो ऑयल के ऊपर सारे कंट्री ऑयल रिसोर्सेस को पर अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन आज के टाइम में सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी को बोला गया है न्यू ऑयल, क्योंकि जो आपका आगे का जनरेशन है वो हम देख रहे हैं कंप्यूटर से रिलेटेड होगा, और कंप्यूटर बनता है सेमीकंडक्टर से। कंप्यूटर का जो मदरबोर्ड है वो कहीं सेमीकंडक्टर से बना होता है, और कंप्यूटर का रेवोल्यूशन चल रहा है इस समय। तो जो सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करेगा वही नेक्स्ट कुछ जनरेशन कंट्रोल करेगा। तो सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी को एक न्यू ऑयल बोला गया है। तो ऑब्वियसली यूएसए और चाइना में इसको लेकर एक कंपटीशन है कि कौन सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी के ऊपर अपना कंट्रोल दबदबा बना सकता है, ठीक है। सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी का जो सप्लाई चेन है, सेमीकंडक्टर्स का सप्लाई चेन है, उसको कंट्रोल कर सकता है। तो यूएसए ने काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है डोमेस्टिक चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में, जैसे कि आपका मदरबोर्ड होता है और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक जो कंपोनेंट्स होते हैं उसमें चिप्स लगते हैं, ठीक है। उसके मैन्युफैक्चरिंग के लिए काफी इन्वेस्टमेंट यूएस कर रहा है। सिमिलरली चाइना भी मेड इन चाइना 2025 प्लान को करना चाहता है, जिसमें वो भी चिप मैन्युफैक्चरिंग में बढ़ावा देना चाहता है इन चाइना, ठीक है। तो ये तो यूएस चाइना की बात हो गई। अभी इंडिया भी कहीं ना कहीं पीछे नहीं है। इंडिया भी चाहता है कि सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी डेवलप हो इंडिया में भी, तो एक यूएस के साथ एक पार्टनरशिप करता है, इंडिया यूएस पार्टनरशिप इन 2020, जिसमें जिसको बोला जाता है ICET डील, क्रिटिकल एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजी डील। क्रिटिकल एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजी का एक डील होता है इंडिया और यूएसए के बीच में, और इंडिया काफ़ी सारे एफर्ट्स भी ले रहा है डेवलप करने के लिए सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी को। इनमें से एक इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज डेवलप करना चाहता है कि लॉन्ग टर्म में इंडिया सेल्फ सफिशिएंट हो इन चिप मैन्युफैक्चरिंग और सेमीकंडक्टर्स के मामले में, ठीक है। और भी कुछ स्कीम्स हैं जो कि इंडिया ले रहा है, उनमें से एक है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, जिसमें $10 बिलियन जो कि आ जाता है अबाउट 76,000 करोड़ का एक आउटले से एक प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव लॉन्च किया गया है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कहता है कि भाई कोई भी अगर अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाता है इंडिया में तो भाई 50% उसका जो भी कॉस्ट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसमें हेल्प करेगी, ठीक है। ये तो है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, ठीक है। एक और है आपका डिजाइन लिंक्ड इनिशिएटिव, इसमें भी वही 50% इंसेंटिव देने की बात हो रही है, लेकिन ये चिप मैन्युफैक्चरिंग के बारे में नहीं है, ये है डिजाइन सॉफ्टवेयर। जैसे आपका जो जो भी चिप होता है उसकी डिजाइनिंग करनी पड़ती है, और इस डिजाइनिंग के काम में इंडिया का काफी ज्यादा एक्सपर्टीज है। तो गवर्नमेंट चाहती है कि उस एक्सपर्टीज का यूज करके नए स्टार्टअप्स आए जो कि डिजाइन सॉफ्टवेयर के हों, ठीक है, एज वेल एज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स IP राइट्स के ऊपर भी इंडियन कंपनीज काम करें और पेटेंट्स ले, अपना खुद का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बनाए। तो इन सब के पर भी इंसेंटिव गवर्नमेंट दे रही है। तो हमने देखा प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव और डिजाइन लिंक्ड इनिशिएटिव के बारे में, ठीक है। एंड ऑब्वियसली इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन एक लॉन्ग टर्म मिशन है जिसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की है।
ठीक है, तो ये बात होगी यूएसए चाइना और इंडिया की बात करी, आगे देखते हैं। तो ये हमने देखा कि 10 बिलियन यूएसडी आपका खर्च हो रहा है, 76,000 करोड़ खर्च हो रहा है और डेवलप हो रहा है क्या, ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव के बारे में चर्चा हो रही थी, तो वो डेवलप करना है फैब्स। फैब्स क्या है? फैब्रिकेशन प्लांट्स बनाना चाह रहे हैं, जिसमें वो 50% इंसेंटिव दे रहा है। लेकिन ये फैब्रिकेशन प्लांट्स जो बनते हैं, जो कि बेसिकली आपके चिप्स मैन्युफैक्चर करेंगे, जो आपके चिप्स हैं, जो आपके अलग अलग डिवाइसेस में जो आप चिप्स देखते हैं सेमीकंडक्टर से बना होता है, वो चिप मैन्युफैक्चरिंग का एक प्लांट लगा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज फैब्रिकेशन प्लांट्स। लेकिन ऐसा देखा गया है कि ये जो प्लांट्स होते हैं, इसको लगाने में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगता है, करीबन 3 से 7 बिलियन यूएसडी, 3 से 7 बिलियन यूएस डॉलर का खर्चा लग जाता है एक फैब्रिकेशन प्लांट बनाने में। तो आप देख रहे हैं बहुत ज्यादा खर्चा है भाई, 3 से 7 बिलियन तो एक यूनिट बनाने में लगता है। इंसेंटिव गवर्नमेंट कितने दे रही है? 10 बिलियन यूएसडी। तो देखने में तो 10 बिलियन यूएसडी काफी ज्यादा लग रहा है, लेकिन एक प्लांट बनाने में अगर 3 से 7 बिलियन यूएस डॉलर लगता है, तो फिर भी अगर देखा जाए तो ये काफी कम है। 10 बिलियन यूएसडी से भी ज्यादा की जरूरत पड़ सकती है इस में आगे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री अगर हमें डेवलप करना है इंडिया में तो। ठीक है, तो उसके बाद हमने देखा था कि भाई डिजाइन सॉफ्टवेयर आईपी राइट्स में हमने देखा था कि डीएलआई डिजाइन लिंक्ड इनिशिएटिव के बारे में देखा था हमने, तो उसी डिजाइन लिंक्ड इनिशिएटिव में कि ये पूछ सकते हैं कि हु इज द इंप्लीमेंटिंग एजेंसी ऑफ डिजाइन लिंक्ड इनिशिएटिव डीएलआई। डीएलआई का इंप्लीमेंटेशन जो आपका एजेंसी है, दैट इज सीडैक, जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी से के अंडर आता है। ठीक है, इसके अलावा और क्या क्या गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिए हैं? तो एक इनिशिएटिव है कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स का, मतलब कॉम्प्लेक्स सेमीकंडक्टर्स अगर कोई बनाना चाहता है, जिसको कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स कहते हैं, तो भी गवर्नमेंट कहता है कि जो भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उसका 30% सपोर्ट आप गवर्नमेंट से ले सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार के फैब्रिकेशन यूनिट्स बनाना और कंपाउंड, तो सेमीकंडक्टर्स बनाना, कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स बनाना, फैब्रिकेशन प्लांट्स बनाना, तो ये सब एक छोटा सा एरिया आपका दे दिया जाएगा, इस एरिया में ये सारे प्लांट्स लगेंगे, उसको बोल दिया जाएगा सेमीकंडक्टर क्लस्टर। जैसे ये लेटेस्ट सेमीकंडक्टर क्लस्टर है, उसमें आपके अलग अलग प्लांट्स लगे हुए हैं, जो कि और आईटी सेक्टर वाला है, एक प्रकार का एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन टाइप का बनाने की बात है, तो जिसको बोला गया है सेमीकंडक्टर क्लस्टर। ठीक है, लैंड अलॉट कर दिया जाएगा, कहा कि इसमें सेमीकंडक्टर से रिलेटेड सारी कंपनियां काम करेंगी। ठीक है, तो ये भी गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है। ठीक है, और इनिशिएटिव्स की बात अभी आगे करेंगे। तीन एंटिटीज हैं जो कह रही है कि गवर्नमेंट को कि हम बनाएंगे आपके यहां सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट्स और अलग इंडस्ट्रीज रिलेटेड टू सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, तीन एंटिटीज कौन कौन से हैं। अभी कुछ ग्लोबल इनिशिएटिव्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो अभी यूएस चाइना का हमने देखा था कि वो लोग इन्वेस्टमेंट कर ही रहे हैं, साथ में यूएस ने यूएस लेड एक सेमीकंडक्टर फ्रेंड शोरिंग इनिशिएटिव स्टार्ट किया है फॉर क्वाड कंट्रीज। क्वाड कंट्रीज के आपको पता ही, इंडिया, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, तो क्वाड कंट्रीज के लिए एक सेमीकंडक्टर फ्रेंड शोरिंग आपका इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया यूएस के द्वारा। क्यों स्टार्ट किया गया है? टू मेंटेन द सप्लाई चेन ऑफ क्रिटिकल एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। जो भी क्रिटिकल और एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है, उसका सप्लाई चेन प्रॉपर बनना चाहिए, उसके लिए ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट इज चिप फोर अलायंस। तो फोर कंट्रीज कौन कौन से हैं? यूएसए, जापान, तो यूएसए जापान तो ये क्वाड वाले ही हो गए, इसके अलावा साउथ कोरिया है और ताइवान है। ठीक है, तो ये चार कंट्रीज मिलकर इन्होंने डिसाइड किया है, कुछ भी हो जाए, कोई भी टेक्नोलॉजी जो चिप रिलेटेड होगी वो चाइना को नहीं मिलना चाहिए। तो इस पर्टिकुलर एम से इन्होंने ये पार्टनरशिप और अलायंस बनाया, दैट इज चिप फॉर अलायंस। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर फ्रेंड शोरिंग हो गया, चिप फॉर अलायंस हो गया। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी पिछले पार्ट में हमने देखा था कि सो ग्लोबल इनिशिएटिव में एक चीज और है, वो है ताइवान। ठीक है, अभी इसमें भी देखा हमने चिप फॉर अलायंस में, तो यूएसए, जापान के साथ साउथ कोरिया, ताइवान है। ताइवान जो है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में बहुत बड़ा मार्केट शेयर रखता है, मतलब अगर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का कोई डॉन है, कोई कंट्री जो मैन्युफैक्चरिंग पूरा मार्केट शेयर अपने कंट्रोल में किए हुए है, तो दैट कंट्री इज कॉल्ड ताइवान। 60% ऑफ सेमीकंडक्टर्स ताइवान से बनते हैं और 90% ऑफ मोस्ट एडवांस्ड सेमीकंडक्टर्स वो भी ताइवान में ही बनाया जाता है।
ठीक है, तो ताइवान एक बहुत बड़ा प्लेयर है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का, ठीक है। और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री बड़ी कितनी है, देखिए सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इज वर्थ 500 to 600 बिलियन US डॉलर, और ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री जो है दैट इज अबाउट 3 ट्रिलियन US डॉलर्स। तो हम देख सकते हैं इतना बड़ा मार्केट है सेमीकंडक्टर्स का और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री का, ठीक है। तो अभी गवर्नमेंट क्या कर रही है, तो इंडियन गवर्नमेंट से बात किया 3 एंटिटीज ने, ठीक है। एक तो वेदांता और फॉक्सकॉन, ये CONN है, ठीक है। फॉक्सकॉन और वेदांता ने मिलके कहा, अच्छा फॉक्सकॉन एक ताइवान की कंट्री है, ये फॉक्सकॉन कंट्री कहाँ की है, ताइवान की है, सॉरी कंट्री कह रहा हूँ, फॉक्सकॉन जो कंपनी है वो ताइवान की है। तो वेदांता और फॉक्सकॉन मिलके गुजरात में 154,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना चाहती है टू डेवलप फैब्रिकेशन प्लांट्स इन गुजरात, ठीक है। इसके अलावा इंटरनेशनल कंसोर्टियम ISMC और IGSS वेंचर्स, एक सिंगापुर बेस्ड कंपनी है जो भी जो जो इंडिया में सेमीकंडक्टर प्लांट्स लगाना चाहती है। तो ये 3 एंटिटीज हैं जो गवर्नमेंट उससे बोला है कि भाई हम बनाएंगे प्लांट, ठीक है। ठीक है, तो अभी इंडिया इतना क्यों फोकस कर रही है सेमीकंडक्टर पे, और इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग के क्या कुछ फायदे हैं, इंडिया में आदमी मैन्युफैक्चरिंग क्यों करे। तो उसका बहुत बड़ा रीजन ये है कि भाई पहली बात तो ये है कि इंडिया में जो लेबर कॉस्ट है वो काफी कम होता है, और इंडिया में ऑपरेट करने का कॉस्ट भी कम होता है, तो एक प्रकार से एक इंसेंटिव बन जाता है। और एक तो भाई गवर्नमेंट आपको पैसे दे रही है, ठीक है, बनाने के लिए इंसेंटिव दे रही है, इसके अलावा लेबर चीप है और ऑपरेशन कॉस्ट कम है, तो ऑब्वियसली लोग चाहेंगे कि इंडिया में आके मैन्युफैक्चरिंग करें। इसके अलावा इंडिया में डिजाइन का एक्सपर्टीज है, इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काफी ज्यादा एक्सपर्टीज रखते हैं आपके चिप डिजाइनिंग में, ठीक है। जैसे कि कर्नाटक में अबाउट देर आर अबाउट 75 चिप डिजाइन हाउसेस, मतलब चिप डिजाइन करने की अबाउट 75 बड़ी बड़ी कंपनियां कर्नाटक में ही है केवल, ठीक है। तो एक्सपर्टीज इन डिजाइन इंडिया के पास काफी है, उसका इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन ऑटोमेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन ऑटोमेशन के भी बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज इंडिया के पास है, तो ये एक बेनिफिट इंडिया के जो इकोसिस्टम का, ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाता है, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, अभी तक हम लोगों ने देखा कि भाई ग्लोबली कौन कौन से इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, यूएस के द्वारा, चाइना के द्वारा हमने देखा, ठीक है। इसके बाद हमने इंडिया के द्वारा क्या क्या इनिशिएटिव है वो देखा, हमने ISM देखा, DLI देखा, PLI प्रोडक्शन लिंक्ड सॉरी इंसेंटिव देखा, ISAID डील यूएस के साथ देखा, क्रिटिकल एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजी डील, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, कोई ग्लोबल इनिशिएटिव्स और कौन कौन से हैं हमने देखा, ठीक है। सेमीकंडक्टर फ्रेंड शोरिंग क्या होती है, चिप फोर अलायंस क्या है, कौन कौन सी कंट्रीज करती है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। और ये देखा हमने जो आपका DLI है उसका इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सा है, ठीक है, इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सा है, CDAC, कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स के बारे में देखा हमने, सेमीकंडक्टर क्लस्टर्स, ये सारे इंडिया के इनिशिएटिव्स हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा 3 एंटिटीज कौन से हैं जो इंडिया में बनाना चाहती है सेमीकंडक्टर क्लस्टर्स, फैब्रिकेशन यूनिट्स, ठीक है। उसके बाद हमने ताइवान के बारे में देखा, और देखा हमला हमारा जो व्हाट इज द टोटल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री कितनी बड़ी है और ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, ये देखा। और हमने ये देखा कि इंडिया का जो इकोसिस्टम है क्यों सूटेबल हो जाता है, क्यों सूटेबल है मैन्युफैक्चरिंग के लिए और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री डेवलप हो पाए, ऐसी क्या चीजें हैं इंडियन इकोसिस्टम में जो उसको बढ़ावा देती है, ये सारी चीजें देखी हमने, ठीक है। तो ये सब चीजें देखने के बाद हम लोग थोड़ा सा एक बार देखें कि आखिर और समझने की कोशिश करते हैं कि सेमीकंडक्टर इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, भाई सेमीकंडक्टर क्या है। तो हमने देखा कि दो प्रकार की चीजें होती हैं, एक होता है आपका कंडक्टर्स, एक होता है आपका इंसुलेटर्स, ठीक है। कंडक्टर्स है जो इलेक्ट्रिसिटी को फुल पास होने देती है, इंसुलेटर है जो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देती, उसके बीच में आ जाते हैं सेमीकंडक्टर्स जो कि कंडक्टर जिसकी कंडक्टिविटी जो है कंडक्टर्स और इंसुलेटर के बीच में आ जाती है, तो ये सेमीकंडक्टर्स हो जाते हैं, ठीक है। ओके, तो सेमीकंडक्टर इस्तेमाल कहां करते हैं, तो इट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स, इलेक्ट्रिक सर्किट्स जो भी हैं जो बनाए जाते हैं जैसे कि ट्रांजिस्टर्स हो गए, डायोड्स हो गए, उसमें हम सेमीकंडक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सेमीकंडक्टर्स का एग्जांपल हमने देखा कौन सा होता है, सिलिकन और जर्मेनियम, सिलिकन और जर्मेनियम ये सेमीकंडक्टर्स के अंदर आते हैं, उसके एग्जांपल्स हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनता है सेमीकंडक्टर से, जिसका एग्जाम्पल सिलिकन और जर्मेनियम कुछ सेमीकंडक्टर्स हैं। सिलिकन और जर्मेनियम, सिलिकन हो या जर्मेनियम हो, उससे बनता है इलेक्ट्रिक सर्किट, एग्जाम्पल देखा ट्रांजिस्टर और डायोड्स। लेकिन ये इलेक्ट्रिक सर्किट का यूज कहाँ किया जाता है, इस इलेक्ट्रिक सर्किट का यूज किया जाता है कंप्यूटर में, स्मार्टफोन्स में, इंटीग्रेटेड सर्किट्स में,
डिफेंस सिस्टम जो भी है उसका भी जो सर्किट है वो भी आपका इसी से बना होता है। तो डिफेंस सिस्टम में यूज़ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज़ है, ऑटोमोबाइल्स में यूज़ है, डिफरेंट गैजेट्स जो भी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यूज़ करते हैं वो सब में आपका इलेक्ट्रॉनिक सर्किट लगता है जो कि बनता है सेमीकंडक्टर से। मेडिकल डिवाइसेस में इसका यूज है। तो हम देख रहे हैं जो आपका इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो कि बेसिकली सेमीकंडक्टर से बनता है उसका इतना ज्यादा यूज है हमारे दुनिया को। ठीक है, तो ये जो सेमीकंडक्टर दो प्रकार के होते हैं, पी टाइप एन टाइप, उसके ज्यादा डिटेलिंग में हम लोग जा नहीं रहे हैं। ठीक है, क्योंकि साइंस का टॉपिक नहीं है ये, तो छोटा हमने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दिया। ठीक है, अभी ये जो सेमीकंडक्टर नोड्स हैं ये धीरे धीरे बहुत ज्यादा छोटे होते चले जा रहे हैं, साइज में बहुत कम होते चले जा रहे हैं। अभी इस करेंटली ये जो सेमीकंडक्टर नोड्स है ये 3 नैनोमीटर से 5 नैनोमीटर तक का बन सकता है। मतलब इतना छोटा सर्किट एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि 3 नैनोमीटर का और 5 नैनोमीटर का आजकल के समय ये दोनों ज्यादा पॉपुलर है। तो ये जो छोटे वाले हैं सेमीकंडक्टर नोड्स हैं वो कहाँ यूज होते हैं, स्मार्टफोन्स में, लैपटॉप्स में, और जो बड़े वाले सेमीकंडक्टर नोड्स हैं वो यूज होते हैं ऑटोमोबाइल्स में और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स में यूज होते हैं। ठीक है, तो ये 5 नैनोमीटर वाले जो सेमीकंडक्टर से उसका 90% कौन बनाता है, ये बनाती है ताइवान की एक कंपनी। भाई ताइवानी राजा है सेमीकंडक्टर का। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर्स एक का कंपनी का नाम है ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ये 90% ऑफ ये 5 mm वाला जो भी सेमीकंडक्टर है ये केवल ताइवान बनाता है, ताइवान का ये कंपनी बनाता है। ठीक है, और पूरे सेमीकंडक्टर के सप्लाई चेन का 24% केवल ये एक कंपनी ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी करती है। ताइवान में और भी कंपनीज हैं सेमीकंडक्टर्स की, लेकिन ये सबसे बड़ा कंपनी है जो करीबन 24% मार्केट शेयर ऑक्यूपाई करता है। और 5 नैनोमीटर जो कि ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक सॉरी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होता है उसका 90% यूज करता है। ठीक है, तो ये बात हमने देखी। ओके, सो अभी इंडिया के पास कौन कौन से चैलेंजेस हैं ये हमको समझना है कि भाई हमने देखा इंडिया इकोसिस्टम क्या दे सकता है इंडस्ट्री को कि लोग इंडिया में आके मैन्युफैक्चर करें, तो क्या इंडिया के साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। बिल्कुल प्रॉब्लम्स है, उसको देखेंगे हम लोग। ठीक है, अभी सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि जो भी सेमीकंडक्टर है उसमें पानी का काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि अगर किसी एरिया में हम लोग इंडस्ट्री लगा रहे हैं सेमीकंडक्टर की, तो पानी की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, और पावर की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए कंटिन्यूअस, प्रॉपर इंफ्रा होना चाहिए। तो कोई भी इंडस्ट्री डेवलप होने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, हॉस्पिटल्स एक्सेट्रा, ये सारी चीजें प्रॉपर होनी चाहिए। ठीक है, पावर वाटर देख लिया हमने, इसके साथ ही साथ स्किल्ड वर्कफोर्स भी होना चाहिए, और ये चारों चीज इंडिया के पास कम है। ठीक है, स्किल्ड वर्कफोर्स डिजाइन का छोड़ के और भी स्किल्ड वर्कफोर्स की रिक्वायरमेंट होती है प्रोडक्शन में, तो ये सब इंडिया का कमी है। ठीक है, हम जानते हैं पावर लॉस होता रहता है, वाटर की सप्लाई भी कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी इतना डेवलप नहीं है, तो ये कुछ स्किल्ड वर्कफोर्स प्रोडक्शन के एक पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंडिया के पास उसकी भी कमी है। ठीक है, ये सब चैलेंज हो गए। और ये जो हमारा इंडस्ट्री है इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, दैट इज रिसोर्स इंटेंसिव। हमने देखा ना, एक एक प्लांट बनाने में 3 से 7 बिलियन डॉलर का खर्चा हो रहा है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव प्रोसेस है। तो ये जो PLI यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव के द्वारा जो आप ग्रांट दे रहे हैं 10 बिलियन USD का, तो आप देख रहे हैं 3 से 7 बिलियन तो एक ही आपका फैब्रिकेशन प्लांट बनाने में यूज हो जाता है। तो हम देख सकते हैं कि ये इंसेंटिव काफी ज्यादा कम है। अगर हम इस बात को समझें कि ये जो इंडस्ट्री है, समझ में आता है हमको कि जो इंडस्ट्री है ये कितना ज्यादा रिसोर्स मांगता है, कितना ज्यादा पैसा मांगता है, कितना ज्यादा एक्सपेंसिव है, तभी इस सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का ग्रो करना काफी टफ हो जाता है क्योंकि बहुत ज्यादा रिसोर्स की आवश्यकता होती है। ठीक है, ठीक है, अब ये जो हमने देखा वही प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव 10 बिलियन USD के 10 बिलियन USD खर्चा किया जा रहा है। ठीक है, अच्छा अभी ग्लोबल चैलेंजेस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो ग्लोबली काफी ज्यादा चैलेंजिंग इसलिए होता है कि जो सप्लाई चेन है इसका वो काफी ज्यादा फ्रेजाइल है, और ये हमको दिखा जब COVID-19 आता है और यूक्रेन और रशिया का वॉर होता है। ठीक है, तो इसके वजह से जो सप्लाई चेन ऑफ सेमीकंडक्टर्स काफी हद तक टूट गया। ठीक है, और काफी ज्यादा प्रॉब्लम हुई डिफरेंट कंट्रीज को वेस्ट में, क्योंकि वो सारे कंट्रीज काफी ज्यादा डिपेंडेंट थे ऑन ईस्ट एशिया। ईस्ट एशिया यानी कि ताइवान, चाइना। ठीक है, तो ईस्ट एशियन कंपनी पे वो काफी ज्यादा डिपेंडेंस हो रहा है, और जब उनको दिक्कत फेस हुई तब वेस्टर्न कंट्रीज ने रियलाइज किया और दूसरे कंट्रीज ने भी ये रियलाइज किया कि उनको सेमीकंडक्टर का सप्लाई चेन डेवलप करने की जरूरत है, अपने यहां भी सेमीकंडक्टर का प्रोडक्शन बनाना जरूरी है। क्योंकि अगर
ईस्ट एशिया से सप्लाई बंद हो जाता है तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम में फंस जाएंगी ये कंट्रीज। तो ये एक ग्लोबली लोगों ने चैलेंज देखा और फिर जाके सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया है इन्होंने, ठीक है। तो अच्छा, ये वही वाली बात है कि इस वाले में ये दिखाया कि प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव, प्रोडक्शन लिंक्ड जो इंसेंटिव है उसमें हम लोग सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट बना रहे हैं, FABS मतलब फैब्रिकेशन यूनिट, ठीक है, और डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट्स, ये सब अगर बनाएंगे तो 50% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बियर करेगी। ये तो अपन ने डिस्कस किया ही है, ठीक है, ग्लोबल चैलेंजेस हमने देखा, ये सारी चीजें देखी, ठीक है। अच्छा, और इंडिया को क्या चाहिए कि ये जो हाईटेक क्लस्टर्स बना रहे हैं ये स्टेट गवर्नमेंट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है मिलके ऐसे क्लस्टर्स बनाए, उसमें इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है। और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी को ये को रिक्वायर्ड है कि जो सेमीकंडक्टर के लैब्स हैं जिस पर रिसर्च है, सेमीकंडक्टर्स पर जो रिसर्च हो रहा है उसको और ज़्यादा मॉडर्नाइज करने की ज़रूरत है, रिसर्च को भी, ठीक है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हमने देखे इंडिया को जो फेस करने हो सकते हैं, तो अभी क्या करना चाहिए इंडिया को, ठीक है, ताकि हम फायदा ले सकें सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी का। तो उसमें सबसे पहली बात तो ये है कि इस पूरे इंडस्ट्री का एक ही दादा है, वो है ताइवान। तो ताइवान के साथ आप दोस्ती बढ़ाइए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करिए, उसके नेगोशिएशन चल भी रहे हैं, और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाए इंडिया को, ठीक है। तो अब ये ताइवान की जब बात हो ही रही है तो ताइवान क्या कर रहा है, दूसरे कंट्रीज में भी ऐसे जिस प्रकार से इंडिया के साथ एग्रीमेंट की बात चल रही है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए, उसी तरीके से ताइवान दूसरे कंट्रीज में को भी हेल्प कर रहा है अपने यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग डेवलप करने के लिए। जैसे कि यूएसए में एरिजोना एक जगह है जहाँ पे $12 बिलियन का एक फैब्रिकेशन प्लांट लगाया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ ताइवान। सिमिलरली जर्मनी और जापान में भी ऐसा किया जा रहा है, ठीक है। अच्छा, ताइवान का एक कंपनी तो हमने देखा, ठीक है, अभी पिछले स्लाइड में हमने देखा था कि ये कंपनी था ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ठीक है। इसके अलावा दूसरा एक और कंपनी है जिसका नाम है यूएमसी, ठीक है, ये देखिए यूएमसी, अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे यूएमसी। तो यूएमसी का क्या फुल फॉर्म है हमने देखा, दैट इज यूनाइटेड माइक्रो इलेक्ट्रिक कंपनी। बाकी ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के बारे में तुम्हें पता ही है, ठीक है। तो ये चीज है, सबसे पहला पॉइंट है भाई क्या करना चाहिए इंडिया को भी, ताइवान जो क्या कहते हैं सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में बहुत स्ट्रांग होल्ड रखता है उसकी मदद लीजिए। दूसरा है कि इंडिया में भी डिमांड काफी ज्यादा है, तो इंडिया में 2023 में डिमांड इज अबाउट $24 बिलियन और 2030 तक जाते जाते ये $90 बिलियन तक पहुंच सकता है। तो इंडिया में भी काफी ज्यादा डिमांड है, तो ऐसा, और हमने देखा जो मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है उसमें खर्चा बहुत ज्यादा है, ठीक है, उसमें खर्चा काफी ज्यादा हमें लगेगा। तो ये सुझाव दिया जा रहा है कि ये जो मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है ये कस्टमर जो कि डिमांड कर रहा है उसके साथ एग्रीमेंट बना ले कि भैया हम सामान बनाएंगे तुमको खरीदना ही खरीदना है, ऐसा ना हो कि हम सामान बनाए और सामान बिके नहीं। तो ऐसा, और भाई जब हम एग्रीमेंट कर लेंगे तो ऑटोमेटिक यहां से पैसा भी आएगा ये इकोसिस्टम डेवलप करने के लिए। तो ये हेल्प करेगा कि भाई इस तरीके के सेमीकंडक्टर क्लस्टर्स इंडिया में बनते हैं, और अगर ये सेमीकंडक्टर क्लस्टर्स इंडिया में बने तो केवल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के अलावा भी दूसरे इंडस्ट्री को भी फायदा मिलेगा। कैसे भाई, देखिए अगर आपको सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री बनानी है तो ऑब्वियसली आपको जमीन के नीचे से आपका सिलिकन और जर्मेनियम निकाला जाएगा, तो माइनिंग इंडस्ट्री भी तो बढ़ी, माइनिंग इंडस्ट्री बढ़ेगी तो दूसरी चीज भी, अब भैया जमीन के अंदर जाएंगे तो ऐसा तो है नहीं केवल सिलिकन ही निकाल रहे हैं, जो मिलेगा निकालेंगे, तो दूसरे मिनरल्स वो और गैस, हो सकता है गैस पाइपलाइन मिल जाए हमें कहीं, ठीक, कहीं से गैस निकल जाए, तो गैस इंडस्ट्री, मिनरल इंडस्ट्री, माइनिंग इंडस्ट्री, इन सब का ग्रोथ होगा। उसके साथ साथ भाई आपका सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट, सेमीकंडक्टर स्पेयर्स और सर्विस इंडस्ट्री का भी ग्रोथ होगा इसके साथ साथ। तो ये सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पे जो इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं तो केवल एक इंडस्ट्री नहीं, बहुत सारी इंडस्ट्री ग्रो करेगी, ठीक है, तो ये एक फायदा है। दूसरी चीज, तो इन्वेस्टमेंट बेकार नहीं है, अब बढ़िया इन्वेस्टमेंट है, दूसरे इंडस्ट्रीज को भी फायदा मिलेगा, ठीक है। उसके बाद एक सुझाव और है कि भाई क्वाड सप्लाई रेजिलियंस फंड जमा करिए, भाई सप्लाई चेन को मजबूत बनाने के लिए जो क्वाड कंट्रीज हैं वो थोड़ा फंड इकट्ठा करें ताकि ये जो सप्लाई चेन बन रहे हैं ये स्ट्रांग बने, और कोई भी क्राइसिस, अगर जियोपॉलिटिकल क्राइसिस होती है, कोई भी जियोग्राफिक क्राइसिस होती है, कहीं अर्थक्वेक आ गया, कहीं सुनामी आ गया, ठीक है, कहीं वॉर हो गया, जियोपॉलिटिकल क्राइसिस, ऐसे क्राइसिस में भी आपके सेमीकंडक्टर का जो सप्लाई चेन है वो एकदम प्रॉपर बना रहे, ठीक है, उसके लिए एक फंड बनाने की जरूरत है, ठीक है। हमने देखा कि भैया इंडिया के जो डिजाइन इंजीनियर्स हैं उनकी एक्सपर्टीज काफी ज्यादा है, तो
भाई गवर्नमेंट चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा स्टार्टअप्स करें इंडियंस, और उनको ग्रांट देना चाहिए और टैक्स में छूट भी देना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस को बहुत ही एग्रेसिवली काम करने की जरूरत है अपने रिसर्च पे, ताकि ज्यादा इनोवेशन हो अलग अलग एरियाज में, जैसे कि डिजाइन हो गया, मटेरियल हो गया, प्रोसेसेस हो गया, इन सब में इनोवेशन लाइए, ताकि और तेजी से इंडिया का जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है डेवलप करे, ठीक है। और इंडियन कंपनीज जो हैं वो रिसर्च करेंगी तो ऑब्वियसली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डेवलप करेगी, पेटेंट्स फाइल करें इंडियन कंपनीज, ज्यादा से ज्यादा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पर इंडियंस कंपनीज का दबदबा होना चाहिए काफी ज्यादा, और वो होगा किससे, रिसर्च से ही होगा, ठीक है। और एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, अभी देखिए सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी में कुछ कंट्रीज है वो, जैसे ताइवान है, उन्होंने बहुत पहले से चालू करके अभी वो बहुत आगे चले गए हैं, ठीक है। तो इंडिया बिल्कुल स्टार्ट से, अभी उनको कम्पीट करने में बहुत सालों लग जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे टेक्नोलॉजीज हैं बिल्कुल इमर्जिंग है अभी, नए टेक्नोलॉजी, जैसे कि LIDAR, लीडा टेक्नोलॉजी, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग, और फेज्ड एरे टेक्नोलॉजी, ऐसे नए टेक्नोलॉजी पे काम करना चालू करें, ताकि आगे जाके इंडिया इन टेक्नोलॉजी में एक लीडर, ग्लोबल लीडर बन सके, ठीक है। अच्छा, और लास्ट पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करना है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रही है कि भाई हमसे इंसेंटिव ले जाओ, लेकिन क्या इंसेंटिव देना सफिशियंट है? अगर हम कहें कि बहुत ज्यादा इंसेंटिव ले लो, लेकिन बिजनेस करना यहाँ इंडिया में ज्यादा कठिन हो, तो चाहे कितना भी इंसेंटिव ले लीजिए, कोई भी बिजनेस इंडिया में नहीं करने आएगा। तो इंसेंटिव के साथ साथ आपको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे भी फोकस करना है, अगर हम आप चाहते हैं कि इंडिया की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री और ज्यादा ग्रो करे। तो ये सारी चीजें हम लोग ने डिस्कस करी ऑन सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी, तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा वीडियो। तो आगे दूसरे टॉपिक्स के लिए आप प्लीज चाहे तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे हमें और ज्यादा वीडियोस बनाने के लिए एनकरेजमेंट मिले। तो थैंक यू।